आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह के कई वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन कई वीडियोस में इतने कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि इंसान को समझना ही मुश्किल हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। तो आज बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आपका रोज़ का किचन का वेस्ट होता है, यानी रसोई घर की सब्जियाँ या आपके फ्रूट हो सकते हैं, फल, उनके छिलके हो गए, सूखे पत्ते हो गए, और भी कई सारी खाने की चीज़ें होती हैं, चावल आप डाल सकते हैं पके हुए, लेकिन तेल वाली या मिर्ची वाली चीज़ें ना डालें तो अच्छा ही रहेगा। आप इसमें अंडों के छिलके यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी पहले बनी हुई खाद होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से बनने वाला एक कंपोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें मिट्टी की, मामूली जो मिट्टी होती है गार्डन सॉइल, उसकी एक लेयर हम डाल देंगे, क्योंकि सबसे नीचे वाली सतह में मिट्टी का डालना ज़रूरी है, उससे कंपोस्ट जल्दी तैयार होगा। अब मेरे पास कुछ ये सब्जियों के छिलके हैं, इनको मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसके बाद थोड़ी सी और मिट्टी ऊपर से, इससे कंपोस्ट बहुत जल्दी तैयार होता है। मेरे पास कुछ सूखे फूल पड़े थे जिनको मैंने काफी टाइम से रखा हुआ था। सूखी हुई चाय की पत्ती, सूखी चाय की पत्ती डालने से पहले जब आप चाय बनाते हैं उसकी जो पत्ती बच जाती है उसको 2-3 बार पानी से धो लेना चाहिए और उसके बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर छिलकों के साइज थोड़े छोटे छोटे यानी टुकड़ों में आप काट लेंगे तो बहुत जल्दी से कंपोस्ट बन जाता है। खैर मुझे इतनी जल्दी नहीं है तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ इसको काटे बगैर। कुछ फलों के छिलके, कुछ सूखे पत्ते, वैसे तो लोग अखबार के टुकड़े भी डालते हैं लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि अखबार की जो स्याही यानी इंक होती है वो केमिकल युक्त होती है, तो फिर ये अच्छा कंपोस्ट नहीं बनेगा, केमिकल्स इसमें मिक्स हो जाएगा, तो मैं उसका प्रयोग नहीं कर रही। मैंने कुछ दिनों से सब सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके सब बचा कर रखे थे इसको बनाने के लिए। आप चाहे तो 2-3 दिन के अंतराल में भी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं, यानी उसके लिए जो डालते हैं उसको आप 2-3 दिन का रख कर इसको आप डाल सकते हैं।
मैंने तो हफ्ते भर से ये इकट्ठा किया था तो इतना सारा मुझे मिला है। आप 2-3 दिन इसको बना सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक एक लेयर मिट्टी की बीच बीच में बिछाते जाएं, उससे कंपोस्ट बहुत जल्दी बनता है। अब मैंने सारे सब्जियों के फलों के छिलके, फूल, टिश्यू पेपर रोल सब इसमें डाल दिया है, सूखे पत्ते भी डाल दिए हैं। अब मैं इसको फाइनली एक लेयर और मिट्टी के डाल के इसको कवर करूँगी। वैसे इसमें गौमूत्र भी मिलाया जाता है, छाछ भी मिलाई जाती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। मैंने ऐसे ही कंपोस्ट बना के देखा है, बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट तैयार होता है, बगैर छाछ के भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये जो आखिरी वाली मिट्टी की तह है इसमें हम कुछ ज़्यादा मिट्टी डालेंगे क्योंकि ये लास्ट परत है, यानी लास्ट लेयर है ये, तो यहाँ ज़्यादा मिट्टी डालेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा दबाए नहीं, एयर पास होती रहे। वैसे तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में, ड्रम में सब बनाया जाता है कंपोस्ट, लेकिन यहाँ मैं मिट्टी के इसमें मटके में बना रही हूँ, तो ये जो मटका है इससे एयर पास होती रहती है, तो किसी तरह का छेद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये पूरा मिट्टी से भर दिया है। अभी इसके ऊपरी सिरे को हम किसी चीज़ से ढक देते हैं और 1-1.5 महीना इसको हाथ नहीं लगाएंगे। फिर भी आपको अगर चेक करना है कि किस तरह बन रहा है तो आप इसमें हाथ डालकर दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो यानी प्रोसेस चल रहा है। अगर 1-1.5 महीने बाद आप चेक करें, अगर ठंडक सी हो और पूरा मिट्टी बन चुका हो, यानी खाद तैयार हो चुकी हो, तो उसमें बिल्कुल स्मेल भी नहीं रहती और ये बिल्कुल अच्छा कंपोस्ट बनता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके कंपोस्ट में स्मेल आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको ऊपर से अच्छे से ढककर रख दें। वैसे तो बीच में हिलाते भी हैं लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती, 1-1.5 महीना इसको ढककर ऐसे ही रख देती हूँ और ये बहुत ही अच्छी खाद तैयार होती है। तो आप लोग भी सिंपल तरीके से इसे बनाएं और अपने कमेंट्स मुझे बताएं। इस पर मैं भारी सी चीज़ ढक देती हूँ जिससे ये अच्छे से ढका रहे। धन्यवाद।